नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। वीडियो री एग्जाम 2018 का एडमिट कार्ड के नोटिफिकेशन आ चुका है कि कब से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, कहां कहां पर एग्जाम आपके कंडक्ट कराए जाएंगे। तो एडमिट कार्ड आपका आ चुका है, आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं और जहां भी आपका सेंटर गया हो उसके लिए टिकट, बस, जो भी आपका हो, जिस साधन से आप पहुंच सकते हैं वहां पे आप अपना टिकट उकट बुक कर लीजिए भाई। तो दो पाली में आपका एग्जाम होगा। यहां पर देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूं, हाँ, यहां देखिए आपका नोटिस आ चुका है वीडियो एग्जाम का। 26 और 27 जून 2023 को ये एग्जाम होगा, दो दिन होगा। प्रथम पाली 10 AM से 12 PM में होगा, दूसरी पाली आपकी 3 PM से लेकर 5 PM तक चलेगा। 20 जनपद में, 20 जिलों में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। कौन कौन से? आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बांदा, बरेली, ठीक है, बस्ती, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी, ठीक है, में आयोजित की जाएगी। अब एडमिट कार्ड आपका 19/6 से ही आपका डाउनलोड होने लगेगा, मतलब कि आज से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। तो आप सभी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका सेंटर कहाँ गया है और उसके लिए जो भी साधन होगा उसका उपयोग करके आप सेंटर तक पहुंचे। अब आप और स्ट्रेस मत लीजिए, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो ये आपके पास समय बचा है मात्र 5 से 6 दिन का, उस समय में जितना आपने पढ़ा है बस उसको प्रॉपर रिविजन करिए। कुछ भी नई चीजें पढ़ने की कोशिश मत करिए। टेस्ट पेपर जो है आप 3-4 दिन तक और लगाइए, एग्जाम के 2 दिन पहले कोई टेस्ट पेपर मत लगाइएगा। जो भी आपके 2-3 दिन है इसमें प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए, रीजनिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए और जीएस में करंट को रिवाइज करिए। बाकी आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आपने जितना पढ़ लिया उतना सफिशियंट है। करंट और यूपी को आप अच्छे से रिवाइज कर डालिए, ये आपके अच्छे खासे मार्क्स दे देंगे। तो कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जितना आपने पढ़ा है यही अपने आप कॉन्फिडेंट रखिए कि जितना हमने पढ़ा वहीं से आएगा, बस वही प्रॉपर तरीके से एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जो भी रिवीजन हो सके उसे प्रॉपर करते रहिए। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप इस वीडियो के कमेंट में बोल सकते हैं, बाकी आपकी जो भी समस्याएं होंगी उसका हम समाधान जरूर करेंगे। चलिए, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।